तो गाइस आईफोन 13 को लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन आईफोन 14 सीरीज का इंटरनेट पे काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया है। और सच में जो लीक्स निकल के आ रहा है आईफोन 14 सीरीज का वो काफी ज्यादा मजेदार है, बिकॉज बॉडी से लेके डिस्प्ले तक सब में काफी ज्यादा बड़ा चेंज किया गया है। और आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईफोन 12 और 13 सब में एक मिनी मॉडल भी इंक्लूड था, जो कि आईफोन 12 मिनी, 13 मिनी ऐसे जाना जाता था। लेकिन आईफोन 14 सीरीज जो कि आने वाला है उसमें एप्पल ने बताया है कि मिनी टाइप का जो मॉडल है वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। डायरेक्टली आपको आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 मैक्स और आईफोन 14 प्रो मैक्स टाइप से सारे सीरीज रहने वाले हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आईफोन 14 सीरीज में आपको बिल्कुल भी नॉच देखने को नहीं मिलने वाला है। एप्पल ने अपने आने वाले जो कि आईफोन 14 सीरीज है उसमें नॉच नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ एक पंच होल कैमरा प्रोवाइड करने वाला है। और इसीलिए एप्पल ने अपना जो आईफोन 14 सीरीज ला रहा है उसको एक रियल फुल स्क्रीन डिस्प्ले भी बोला है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, बाकी आपको कोई भी एक सेंसर वगैरह ऑन स्क्रीन नहीं दिखने वाला है। इसी बाद जब हम लोग बात करते हैं इसकी बॉडी के रिगार्डिंग, तो इसमें आपको आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो में आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग आईफोन 14 मैक्स और प्रो मैक्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें टाइटेनियम एलॉय की बॉडी देखने को मिलेगा, जो कि इसका वेट काफी ज्यादा लाइट कर देगा और बिल्कुल एक न्यू चीज आईफोन 14 सीरीज में देखने को मिलेगा। और इसी के बाद यार एकदम पुरानी यादें ताजा करने वाली चीज जो कि आईफोन 14 सीरीज में आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जैसा कि आईफोन 4X कौन कौन यूज किया है, अगर यूज किया हो तो बिल्कुल याद होगा, उसमें का जो वॉल्यूम बटन जो कि सर्कुलर टाइप का है वो आपको सेम एज इट इज आईफोन 14 सीरीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो बटन्स आने वाले हैं वो आपको रेक्टेंगुलर नहीं रहने वाला, वो डायरेक्टली एकदम सर्कुलर रहने वाला है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस और डिस्प्ले के बारे में, तो आईफोन 14 सीरीज में आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा और डिस्प्ले आपको आईफोन 14 और 14 प्रो में 6.1 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और प्रो मैक्स और मैक्स में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ जो एक बहुत ही मेन चेंज हुआ है आईफोन 14 सीरीज में वो ये है कि इसमें जो कैमरा हम्प रहता था आपके जैसे आईफोन 12 और 13 में, वो बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है और बैक साइड में पूरी बॉडी एकदम प्लेन रहने वाली है, जो कि काफी ज्यादा इसका प्रीमियम लुक बढ़ा देगा। और इसी के साथ पूरे आईफोन 14 सीरीज 5G सपोर्टेड रहने वाले हैं। और अगर लॉन्च डेट की बात करें तो ये जैसा कि 13 आपका सितंबर 14 में लॉन्च हुआ था और इसकी मार्केट में 2024 तक आ गया था सेल के लिए, वैसे ही आपका 2022 तक 24 सितंबर तक ये आने का एक एक्सपेक्टेड डेट है। कोई इसके लिए एक श्योर हम अभी नहीं बता सकते, अभी कोई ऐसा डेट रिवील नहीं हुआ है। फाइनली जैसे अगर कोई आता है तो इस चैनल पे आपको उसका नेक्स्ट अपडेट मिल जाएगा। सो गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट दिस टाइप्स ऑफ कंटेंट रेगुलरली। गुड बाय, टेक केयर।